यू नो आई एम सो इमोशनल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ नमाज पढ़ी आज, और जिसके बारे में मैं सोचता था, भारत की पहली मस्जिद जो 629 ईस्वी की बनी हुई है, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की मस्जिद है, और वहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो शायद अपने आपको लकी मान रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे है भारत की पहली मस्जिद, इंडियाज फर्स्ट मस्जिद इन केरला। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नई जर्नी। तो मैं हूँ इस समय केरला में, और आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। बताता हूँ क्या है। तो जस्ट मैं अभी अपने रूम से निकल रहा हूँ, और मेरा रूम की जो लोकेशन है वो है फोर्ट कोची बीच। और आज जो हम जा रहे हैं भारत की सबसे पहली मस्जिद, जी हाँ, इंडिया फर्स्ट मस्जिद, जो कि 629 ईस्वी की बनी हुई है, यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की मस्जिद है। सोचो मेरे अंदर धड़कनें कैसी हो रही होंगी। मैं मान रहा हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, सभी लकी होते हैं, बट मुझे लग रहा है। तो यहाँ से जहाँ वो मस्जिद है उसकी जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर है। तो अमूमन तौर पर क्या होता है कि मैं लोकल में कभी हमेशा ऑटो यूज़ करता हूँ या फिर टैक्सी यूज़ करता हूँ ऑल ओवर, बट आज मैं बस से जाने वाला हूँ, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। देखो आज कितनी धूप हो गई, लेकिन कभी भी बरसात पड़ सकती है, इसलिए मैंने छाता ले लिया है, ये देखिए। तो अभी जो बज रहे हैं वो 10 बज रहे हैं, और मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि मैंने किया नहीं था, रात में लेट सोया था। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आप केले देख रहे हो ना, केले, तो यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट में ले आते हैं, उसकी 10-12 वेराइटी होती हैं, आपको बनाना बहुत मिलेगा। बट मैं जो है टी लेनी है, टी एंड टी एंड आलू बंडा, आलू बंडा नहीं होता तो दिस, ये नारियल का होता ना, नारियल का। तो आप देखेंगे ये जो है ना पकौड़ी, ये केले की पकौड़ी है, रात मैंने खाई थी, बहुत अच्छी स्वादिष्ट होता है। तो मैंने चाय ले रहा हूँ और साथ में ये है, तो मैंने अभी चाय ले लिया है। और मैंने एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो होता है ना बड़ा, ये काफ़ी क्रिस्पी होता है, ये देखो अलग ही फील होता है, बहुत बढ़िया, जैसे क्रिस्पीनेस ना अलग ही दिखाई देती है, तो अच्छा है, ब्रेकफास्ट के हिसाब से अच्छा है, साथ में चाय। एक चीज़ और, यहाँ ब्रेकफास्ट में आपको सुबह को जो मिलेगा ना हॉट वाटर मिलेगा, गर्म पानी। देखो ये अपना कल्चर नहीं बोले, क्योंकि गर्म पानी से फैट नहीं बढ़ता, तो मुझे ठंडा पानी चाहिए था, जिन्होंने कहा भाई इस बच्चे को जो है कच्चा पानी दो, कच्चा, तो ये चीज़। दूसरी चीज़, जब चाय लोगे आप तो चीनी बाद में डाली जाती है, तो ये लोग जो है चीनी बाद में डालते हैं, तो कल्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाश्ता बहुत सस्ता था, 24 रुपये का नाश्ता हुआ, दो बड़े थे उसमें, चाय थी, सुपर टेस्ट भी बहुत अच्छा। दोस्तों थैंक्स कहना चाहूँगा MMR ट्रिप का, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। क्या आपने MMR ट्रिप को डाउनलोड किया है? नहीं किया ना, तो तुरंत भागो और जल्दी से जो है आप MMR ट्रिप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे सस्ती फ्लाइट ना आपको कहीं मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ ना, तो फ्लाइट बुक करने के लिए मैं MMR एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। होता क्या है दोस्तों कि मुझे, मैं तो चाहता हूँ कि फ़्लाइट कम से कम पैसे में बुक हो। अब जैसे और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, चाहे वो इजी माई ट्रिप हो, चाहे मेक माई ट्रिप हो, उनके मुकाबले ना यहाँ पर आपको जो फ्लाइट सस्ते पैसे में बुक हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है 25 जुलाई को, यहाँ रेट देखिए कितना आ रहा है, 4789। यही आप इजी माई ट्रिप में देखोगे तो कितना आ रहा है, 7000 से ऊपर जा रहा है, और उसके बाद कन्वेंस फीस जो होती है वो और लग जाती है। लेकिन इसमें MR ट्रिप में जो क्या होता है, कोई कन्वेंस फीस नहीं, यही लास्ट तक यही 4789 रहेंगे। एक फायदा और है कि अगर आप MMR ट्रिप को आप रेफर करोगे कहीं और किसी के लिए, तो आपको उसकी बुकिंग पे 500 रुपये जो है आपके, 500 रुपये तक जो है आपके MMR ट्रिप वॉलेट में आपको मिल जाएंगे। तो करना क्या है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहे वो एप्पल यूज़ करते हो आप या फिर एंड्रॉयड यूज़ करते हो, दोनों लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप MMR जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और जो रेफरल कोड है उसे यूज़ करोगे तो वॉलेट में आपको 500 रुपये तक का जो है आपको जो है कैश मिल जाएगा। तो अभी हम ऑटो में बैठ गए हैं, ये हमें जो है फोर्ट कोची बीच पे छोड़ेगा, जहाँ से हमें फेरी मिलेगी। यहाँ तक का जो किराया है ऑटो वाले ने 40 रुपये मांगा है, तो ठीक है, 2 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ हम ऑटो से उतर गए, यहाँ बस से भी आना चाहते हो आ सकते हो, 10 रुपये टिकट है। बट जस्ट सामने आप ये देखिए, ये फेरी है जिससे हमें जाना है पार, क्योंकि मस्जिद के लिए पार जाना पड़ेगा, तो यहाँ से टिकट लेना है,
देखते हैं टिकट कितने रुपए का फेरी का। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव इट, टिकट पता कितने रुपए का है? कितने रुपए का है? मात्र 3 रुपए का, 3 रुपीज का टिकट है। सुपर यार। तो ये फेरी है जिससे हम जाने वाले हैं, आते हैं टिकट इन्हें चेक कराना पड़ेगा। तो मैं लाइफ में पहली बार ही फेरी की सफारी करने वाला हूँ जो कि इतनी सस्ती है, 3 रुपीज़ की है। तो इसके अंदर गाड़ी उड़ी सब चली जाती हैं। तो थोड़ा आगे से मैं व्यू दिखाता हूँ, आगे से व्यू थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए पूरा, तो इसे आप समुद्र का एक छोर कह सकते हो। ये इधर से जो है उधर जाएगी, उस साइड जाएगी। काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। ये देखो इसके अंदर कुछ सिप भी आ रहे हैं। तो ये नज़ारा सिर्फ जो है आपको केरला में देखने को मिलेगा। तो हमारी फेरी जो है इसने चलना स्टार्ट कर दिया है। मैं तो लाइफ में पहली बार फेरी के अंदर बैठ पाऊँ। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी। ये जहाज़ देखिए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बोला यहाँ के गवर्नमेंट कितना ख्याल रखती है यहाँ के लोगों का, मात्र 3 रुपये का टिकट। सुपर यार, सुपर। तो फाइनली हम जो है फेरी से उतर गए हैं। सोचिए मात्र 3 रुपये हम जो है उस घाट से इस घाट पर आ गए, और यहाँ से हमें जो है कुछ ना कुछ या तो टैक्सी करनी पड़ेगी या फिर बस करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको जो मस्जिद जाना है ना, वो कॉटन ग्लोर है, वहाँ पर चेयरमैन मस्जिद है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, वहाँ से जो है बस मिलेगी। तो ये सफर मैं जानबूझ के जो है बस से कर रहा हूँ और फेरी से कर रहा हूँ, ताकि यहाँ के कल्चर को जानने के लिए। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि ग्रीनरी ना अभी आपको मिलेगी। देखो केले के पत्ते हमारे गाँव में हुआ करते थे, बट यहाँ अभी भी मिलेंगे आपको। और एक जो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ क्या है आपको, यहाँ पे अभी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। यानी कल मैंने एक मसाज कराई थी यहाँ पर, पहली बार ज़िंदगी में मैंने स्पा कराई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था। और जितने भी अंग्रेज आते हैं वो 2 जगह मिलेंगे आपको, या तो ऋषिकेश में मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे। सब लोग हमें ट्रीटमेंट जो कराते हैं ना, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ ना आपको हर घर में जो है नारियल का पेड़ मिलेगा, सेम कश्मीर की तरह जहाँ हर घर में जो है वहाँ पर अखरोट का पेड़ होता है ना, यहाँ पर नारियल का पेड़ मिलेगा। ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो ये जो चौराहा है ना, यहाँ से डायरेक्ट बस मिलेगी कोडम ग्लोर के लिए, जो कि हमें चेयरमैन मस्जिद छोड़ेगी। तो यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, यहीं बस आएगी। तो ये बस हमारी आ गई। तो साउथ में बस का सफ़र पहली बार कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तो ये खासियत है कि बस में ना कहीं भी शीशे नहीं है चारों तरफ, तो हवा बल्कि सीधी आ रही है। और जिस रास्ते से गुजर रही है वहाँ की ग्रीनरी बहुत ही शानदार है और बहुत पोलाइट है। पहले बताया 40 रुपये किराया, फिर बाद में बोला भाई 40 नहीं है, 33 है। तो ईमानदारी तो एक एक इंसान के अंदर है यहाँ। तो फाइनली दोस्तों बस ने मुझे बिल्कुल वहीं उतारा है जहाँ पर मस्जिद है, चेयरमैन मस्जिद। और दोस्तों मैं क्या अंदर से फील हो रहा है ना, क्या वाइब्स निकल रही है ना, शायद आई कांट एक्सप्रेस इन माई ऑन वर्ड, कि मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर भारत की पहली मस्जिद, मैं इसको पढ़ता था, 8-10 साल से पढ़ता था और सोचता था काश मुझे जाने का मौका मिले। तो फाइनली दोस्तों मैं उसी जगह पर आ गया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना ऑटो खड़े हैं, ये उसी पार्किंग में खड़े हैं और जस्ट पीछे मस्जिद है, मैं दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार दोस्तों, कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो होता है वो सफ़र का होता है। मस्जिद तो अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है ही देखने लायक, बट जो सफ़र था ना वो भी कम नहीं था, बहुत ही शानदार सफ़र रहा। चलो अब मस्जिद दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये यहाँ की मार्केट है और बस देखो यहीं उतरती है, देखो बस रुकी है, यहीं रुकी है। और दोस्तों ये देख सकते हो चेयरमैन जुम्मा मस्जिद, द फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया, और ये 629 ईस्वी में बनी थी। आई एम सो एक्साइटेड। अभी रिनोवेशन चल रहा है, यानी काम चल रहा है, और ये भारत की पहली मस्जिद आप देख सकते हो। तो अंदर मैं लेके चलूँगा, यहाँ से इसका रास्ता है। देखो अभी काम जो ना एग्जैक्टली चल रहा है, देखो ये यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। ये इसके अंदर भी बनाया जा रहा है काफ़ी बड़ा। और ये जो आप देख सकते हो ये मस्जिद है, बहुत ही शानदार, इसके अंदर काफ़ी नमाज पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये 629 की आप मस्जिद देख रहे हैं, भारत की पहली मस्जिद आप देख सकते हो। यहाँ से मैं करीब से दिखाता हूँ और इसके बारे में डिटेल इतिहास ही पढ़ेंगे, बट अभी अजान हुई है तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी कि यहाँ मैं पर नमाज़ पढ़ूँगा। यू नो आई एम सो इमोशनल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ नमाज़ पढ़ी आज, और जिसके बारे में मैं सोचता था, भारत की पहली मस्जिद जो 629 ईस्वी की बनी हुई है, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की मस्जिद है, और वहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो
साथ अपने आपको लकी मान रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है। खैर चलो मैं मस्जिद को अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये मस्जिद का आप बाहर का लुक देख सकते हो और रिनोवेशन हुआ है मस्जिद पर, बहुत सारा काम हुआ है, बट ये भारत की पहली मस्जिद है। इसका जो मेन रास्ता है वो ये है, बट वो अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, पूरा अंडरग्राउंड बन रहा है लोगों के लिए। देखो अभी भी काम चल रहा है। जस्ट सामने देखो तो कार्यालय है और कार्यालय से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो आप देख सकते हो ये मस्जिद है पूरी, और यहाँ से हम अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये, 629 ईस्वी के टाइम की। और यहाँ पर ये वजू खाना है जहाँ हमने वजू किया है, तो ये तो बाद का बना हुआ है, बट अंदर वाला जो वजू खाना है मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता जो जाता है यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, उसी टाइम की कब्रें हैं, और म्यूजियम के बारे में पता करेंगे। यहाँ से मेन एंट्री है तो जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों आज मेरा वो सपना पूरा हुआ जो मैं 8-10 साल से देखा करता था। तो सबसे पहले जब एंट्री करोगे तो आपको यहाँ वजू खाना दिखाई देगा। ये वजू खाना काफ़ी पुराना है, हालांकि रिनोवेशन हुआ है। ये इसकी आप गैलरी कह सकते हो, और इसी के अंदर हमें जाना है। तो पहले आप यहाँ का लुक देख सकते हो जहाँ से हमने एंट्री की है। हालांकि ये सेकेंड गेट है इसका, मेन गेट जो है वो बंद कर रखा है, ऊपर लकड़ी का काम हो रखा है। और ये जो मस्जिद है 629 ईस्वी की मानी जाती है, ये इसकी फर्स्ट गैलरी है, इसी के अंदर हम चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये यहाँ का एक तरह से कॉरिडोर कह सकते हो आप, यानी एक गैलरी और कह सकते हो। और इसकी भी छत सेम ऐसी देख लीजिए, लकड़ी का काम हुआ है, बहुत ही शानदार। हर एक सोखे में जो है लाइट लगाई गई है, और यहाँ से आप इसका जस्ट व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 629 ईस्वी की बनी मस्जिद, यानी भारत की पहली मस्जिद। ये बीच में जो रखा हुआ है दीपक रखा हुआ है, जो मैं अभी आपको करीब से भी दिखाऊंगा। छत का मॉडल देख लीजिए, इसमें जो लाइट लगी है, टोटल रिनोवेशन का काम हुआ है। और दोस्तों मैंने यहाँ नमाज पढ़ी थी, उस समय नमाज का टाइम था 12:47। आपको पता है जुम्मा है नहीं आज, यानी यहाँ पर जो जमात थी जोहर की वो 12:47 पे थी। ये जो लटका हुआ है ये दीपक लटका हुआ है, और इस दीपक पर छोटे छोटे से दीपक और भी बने हुए हैं। दोस्तों अब सवाल आता होगा कि आखिर ये मस्जिद बनवाई किसने थी। इतिहास की बात कर ली जाए तो केरला के जो राजा थे जिनका नाम था चेरमान पेरुमाल, उन्होंने ही इस मस्जिद को बनवाने का निर्देश दिया था। दोस्तों ये जो कब्र देख रहे हो ना, ये है सहाबा की कब्र। जी हाँ दोस्तों, सहाबा की कब्र है, जिनका नाम जो है हबीब इब्न मलिक और उनकी वाइफ, इन दोनों की कब्र यहाँ पर है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म है 570 ईस्वी में हुआ था, और उनके जो साथी थे जिन्हें सहाबा बोला जाता है, और ये जो मस्जिद बनी हुई है 629 ईस्वी की है। तो बताया जाता है कि उस दौर में बहुत सारे सहाबा जो थे इंडिया आए थे। तो दोस्तों अगर इस मस्जिद के इतिहास की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि केरला के जो राजा थे चेरमान पेरुमाल, उन्होंने ही इस मस्जिद को बनाने का आदेश दिया था, और इस मस्जिद का नाम जो है चेरमान जब से पड़ा। दोस्तों एक बार केरल के जो राजा थे जिनका नाम चेरमाल था, उन्होंने सपना देखा कि आसमान में चंद्रमा के 2 टुकड़े हो गए हैं। और इसी सपने की हकीकत जानने के लिए राजा चेरमाल ने अपने बहुत सारे ज्योतिष को अपने दरबार में बुलाया, बट कोई भी उनको लॉजिकली इसका जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जो अरब के व्यापारी थे जो भारत से होकर सिलोन की यात्रा करते थे, उन्होंने जो है चेरमान पेरुमाल से बात की। फिर राजा चेरमान पेरुमाल ने अपने सपने के बारे में अरब के जो व्यापारी थे उन लोगों को बताया। तो फिर अरब के व्यापारियों ने बताया कि ये जो कारनामा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इतना सुनने के बाद जो राजा थे जिनका नाम था चेरमान पेरुमाल, वो खुश हो गए, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की इच्छा जताई। और उसके बाद केरल के राजा जो है अपना राजपाट छोड़ने के बाद सीधे मक्का चले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, और फिर उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इसके बाद कुछ समय मक्का में बिताने के बाद जो चेरमाल पेरुमाल थे वो अपने देश की तरफ लौटे, लेकिन रास्ते में बीमार पड़ गए थे। उसके बाद अरब महाद्वीप में उनकी जो है मृत्यु की शिकार हो गई। मरने से पहले उन्होंने कुछ मैसेज दिए थे, और ये मैसेज उनके कुछ खास दोस्त लेकर आए जिन्हें सहाबा बोला जाता है। बात करूं तो मालिक बिन दिनार और उनके कुछ साथी जो है इस जगह पर पहुंचे, और उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बनाई, और इस प्रकार भारत की पहली मस्जिद जो है ये आप देख सकते हो। दोस्तों अगर मस्जिद की बात की जाए तो खुद स्वयं मालिक बिन दिनार जो है इस मस्जिद के पहले जो है खासी बने थे, और उसके बाद इस जिम्मेदारी को उनके बेटे हबीब बिन मलिक जो कि सहाबा थे, उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया, जिनकी कब्र मैंने अभी आपको दिखाई थी। और इस प्रकार आज भी इस मस्जिद में सहाबा की कब्र है जो मैंने आपको दिखाई थी। दोस्तों इस मस्जिद के अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। आप खुद देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से काम चल रहा है, बाकायदा बहुत ही इसका सावधानी से ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ म्यूजियम की बात की जाए, म्यूजियम का काम चल रहा है, आने वाले समय में जो है म्यूजियम भी चालू हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है।
और यहाँ जिस संस्था के अंडर ये काम हो रहा है, आप देख सकते हो, संस्था का नाम देख सकते हो, काफ़ी इसको जो है मजबूती दे रहा है। और दोस्तों अगर एक बार अगर आप केरला आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको आकर एक्चुअल में कल्चर का पता चलता है कि कल्चर क्या होता है। इस्लामिक कल्चर की बात की जाए, चाहे वो ईसाई कल्चर की बात की जाए, या फिर यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, सब चीज़ में अव्वल है केरला। ये इसका मेन गेट है जो आने वाले समय में चालू हो जाएगा, जहाँ से एंट्री होगी। दोस्तों आई एम सो हैप्पी, मैं अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं मस्जिद से घूम कर आया हूँ। क्या नज़ारा है अंदर का, बहुत ही प्यारा है। चलो अब मैं थोड़ा सा सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये मस्जिद की एंट्री मान लीजिए, एग्जिट भी मान लीजिए, तो यहाँ से जो है अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपको उस टाइम की कब्रें मिल जाएंगी। बहुत सारी कब्र आप जो है यहाँ देख सकते हो, और बाग भी है और छोटी छोटी कब्रें हैं यहीं। यानी जो मस्जिद का टॉयलेट है, वॉशरूम का, वो भी इधर ही है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ जो लोग आते हैं वो दुआएँ करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में ये म्यूज़ियम है, अभी बंद कर रखा है, नमाज का ही काम है, क्योंकि इस पर रिनोवेशन चल रहा है, काम चल रहा है बहुत सारा। तो बहुत अच्छा, मतलब आने वाले समय में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए काम चल रहा है। ये तो खैर टॉयलेट है, म्यूज़ियम का ये बता रहे हैं, बट फिलहाल जो है बंद है, क्योंकि मैंने गार्ड से पूछा था तो गार्ड कह रहे थे बंद है। इसके बराबर की बात करूं तो यहाँ पर तालाब है, ये देखो इधर तालाब है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, इसी बीच ग्रीनरी के बीच में जो मस्जिद बनी हुई है ना, जस्ट अमेजिंग, बहुत ही शानदार। और एक तरह से ये जो बीच है ना, बीच का ही एक हिस्सा है, ये देखो पूरा तालाब से बना हुआ है। और यहाँ आसपास जो घर है ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ से मस्जिद स्टार्ट होती है इधर से, यानी इधर से भी रास्ता है। तो ये देखो एक रास्ता उधर से आ गया, आप देख सकते हो मस्जिद। ये इसके अंदर का नीचे का जो बन रहा है ना पूरा, वो है। तो आप देख सकते हो ये है भारत की सबसे पुरानी मस्जिद। तो मैं अभी आपको नीचे का दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गैदरिंग बहुत होती है ना जुम्मे के दिन, तो उसके लिए पूरा बन रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी मिली। आई एम सो हैप्पी कि मैं इस जगह खड़ा हूँ जहाँ पर भारत की पहली मस्जिद है केरला में, और बहुत ही शानदार जगह है। स्पेशली यहाँ का आसपास का जो वातावरण है ना, बहुत ज़्यादा ग्रीन है। तो अगर आप केरला आएँ तो इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट करें। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube पर भी चैनल है अरबाज ब्लॉग का, YouTube पर जाइए सर्च कीजिए अरबाज ब्लॉग्स, वहाँ से आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। वेल आइकन जो है ना, उसको जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आता पहुँचेगी। और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook का पेज है अरबाज ब्लॉग के नाम से, साथ ही साथ Instagram का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं ब्लॉग समाप्त करता हूँ, इजाज़त लेता हूँ आपसे जाने की। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और साथ ही साथ MMR ट्रिप एप्लीकेशन को आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जल्दी जाओ और तुरंत जो है डाउनलोड करो MMR ट्रिप को।